हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले हम आपको थोड़ा बता दें, आपको लगता होगा अभी ये रात का टाइम है और आप ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रहे हो, बट कोई बात नहीं दोस्तों। अभी हम लोग जा रहे हैं सूरत से आनंद, और आनंद के पास है वड़ताल। वहाँ पे श्री भगवान श्री स्वामीनारायण जी का सबसे बड़ा पाठ महोत्सव है और वहाँ पे हमें इन्वाइट किया गया है, तो हमारी पूरी टीम अभी वहाँ पे जा रही है। अभी तरुण भाई जो है वो हमारे सीनियर, वो अभी आने वाले हैं गाड़ी लेके, तो हम उसके अभी वेट कर रहे हैं। नरेश भाई भी हमारे साथ है, बिस्तरा पोटा सब लेके। तो क्या कहोगे नरेश भाई? बस अभी निकल रहे हैं रात को, आज कल वहाँ पे वड़ताल पहुँच जाएंगे। वहाँ पाठ है तो इन्विटेशन है, तो सब लोगों को जाना है और वहाँ से सौराष्ट्र भी जाना है। बिल्कुल दोस्तों, तो आज ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से करते हो और आप सभी लोगों को हम आगे बताते रहते हैं कैसे आनंद पहुँचने में हमें कितना टाइम लगेगा, और यहाँ से आनंद कम से कम 200 किलोमीटर है, वहाँ पहुँचने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों हम आधे घंटे से यहाँ पे खड़े हैं और अभी तक भाई हमारे आए नहीं, बहुत ही मतलब धीमी और स्लो गाड़ी चलाते हैं। तो क्या कहोगे नरेश भाई? मतलब धीरे धीरे हाईवे पे भी चलाते हैं ना, तो 60 पे गाड़ी चलाते हैं उसको हवाई जहाज चला रहे ऐसा चल रहा है। और बहुत ही महान व्यक्ति है, आपके साथ भी हम अभी इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और बस आपकी तारीफ कर रहे थे अभी कि आप हाईवे पे भी 30 पे गाड़ी चलाते हो, 60 पे गाड़ी चलाते हो, इतना कौन चलाता है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो जिंदा हो वो बहुत बड़ी बात है। मित्र भी बहुत ही मतलब टायर्ड हो रहे अभी, एक भाई ने तो अभी देखो पीछे चालू हो गए, क्योंकि अभी रात के बज गए 10:30 और ड्राइविंग अभी मैं करूंगा, भाई ने अभी तक चलाया गाड़ी। गाड़ी को भी पेल देते हैं कभी कभी। इंग्लिश में बात करो भाई आप, ठीक है? एंड लाइक टू योर ड्राइविंग एंड ओवरटेकिंग एंड डैमेज इन गाड़ी इन टायर इन पंचर। तो चलो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं, तो अभी पहुंचेंगे हम 1 बजे, 1-2 बजे पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए हम आप सभी को भाई पहुंच के हम आपको भी बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। कल वड़ताल जाने तक हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारी सभी बातें और सभी मोमेंट, तो देखना मत भूलिएगा, पूरा वीडियो देखना, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना जो भी पार्ट अच्छा लगा हो। ये हमारा ऑफ द स्क्रीन वर्क है, ऐसे हम ट्रैवलिंग करते हैं हंसी मजाक के साथ। चलो अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो आप कहोगे नरेश भाई कुछ? नहीं, मैंने पानी पी लिया, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। चलो थैंक यू सो मच। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों अभी हम पहुंच गए थे रात को 2 बजे आनंद शेल्टर होम, और वहां पे अभी हम सब सो के उठ गए और सब लोग फ्रेश भी हो गए। तो यहाँ का थोड़ी आपको मैं विजिट करवा देता हूँ, यहाँ की कैसे सिस्टम है, कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, और अभी सुबह का नाश्ता भी हो गया है। तो चलिए आपको आगे दिखाता हूँ आनंद के अंदर कैसी कैसी सुविधाएं हैं, और हमारे सब बुजुर्ग दादा दादी सब आप देख सकते हो कि अभी मॉर्निंग हुए तो सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे रसोड़ा भी चलता है हमारा पिछले 11 महीने से, जहाँ हर दिन 4 टाइम यहाँ पे नाश्ता और खाना सब कुछ मिलता है, वो बिल्कुल फ्री में है। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है, रहने का भी फ्री में है, खाना पीना भी सब फ्री में है। पोपट भाई फाउंडेशन की तरफ से सिर्फ खाने के लिए यहाँ पे सुविधा दी गई है। तो चलिए दोस्तों आगे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या फैसिलिटी है। अभी मॉर्निंग हो गई, हमारा एक भाई अभी सो रहा है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, तो चलिए ठीक है। केम छो दादी? है? केम गळू बेसी गयो? खबर नहीं है। अच्छा, ठंडी पड़ रही है। क्या बना रहे हो अभी बेन? रोटी। रोटी? कौन सी सब्जी है आज? टिंडोरा। बरोबर, चलो ठीक है। तो दोस्तों चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ऑफिस रूम है। हेलो जॉय, एक मिनट। यहाँ पे पूरे सेल्टर के अंदर कैमरा सिस्टम है, आप देख सकते हो काफी अच्छे से यहाँ से ख्याल रखा जा रहा है। बहन कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया। ये हमारा डोमेट्री है जेंट्स लोगों के लिए, यहाँ पे अभी सभी लोग काम पे गए हैं। कैसे हो जगदीश भाई?
ट्रेसिंग हो गया? एबी डोमेट्री हॉल है, यहाँ पे सभी लोग ज्यादातर काम पे चले जाते हैं दोस्तों, जिससे जो भी लोग रहता है रोड पे ऊपर, जो कहीं ना कहीं लेबर मजदूरी करते हैं काम। और ये है हमारी दादी जी, कैसे हो दादी? जय श्री कृष्ण। ये दादी माँ के लिए डोमेट्री है, आप देख सकते हो काफी दादियाँ यहाँ पे रह रही है। कर लो टाइम थियो आपने? शनिवार को आया। शनिवार को आए हो, चलो ठीक है। कैसा लग रहा है इधर अभी? ठीक है, पर तबियत गोटे का चक्कर आते ना, ये बीमारी है मेरी। कोई बात, ध्यान रखना अपना, ठीक है? कोई भी ज्यादा जरूरत हो तो यहाँ के स्टाफ को बताना, ठीक है बहन? सही बात, चलो ठीक है दादी, चलियो जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों ये था हमारा आनंद शेल्टर होम, जहाँ से 200 से ज्यादा लोग अभी रह रहे हैं। बट चलो साथी मित्र अभी देखो, चलो प्रतीक भाई आओ जो, चलना है आपको साथ में? एग्जाम है, चलो कोई बात नहीं। ये हमारे बड़े रईस आदमी यहाँ पे पीछे बैठे हैं, बहुत कैसा लग रहा है पीछे बैठ के? पीछे अनकंफर्ट जोन महसूस कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ठीक है तरुण भाई, अब चलाने के लिए सक्षम हो? चलो कोई बात नहीं, मैं प्रे करूंगा कि आप हमें सही सलामत वड़ताल पहुंचा दो। इसमें मैं भी बैठा हूँ गाड़ी में भाई। आपके पास ड्राइविंग सीट है, आपके ऊपर हमारा सब कुछ है। अरे लेकिन मेरा भी है ना? नहीं जी सर, मैं आपको टान मरवा रहा हूं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए वड़ताल, यहाँ से वड़ताल अभी 2 किलोमीटर है और पहुंचने वाले हैं। स्वामी जी ने हमें 11 बजे का टाइम दिया था और अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं और तरुण भाई भी हमारे साथ हैं। देखो अभी मस्त रूप से हमने यहाँ पे पहुंचा दिया है, देखते आगे क्या होता है। ठीक है तरुण भाई, दोस्तों आओ साथ में मिलके स्वामी नारायण, भगवान स्वामी नारायण के दर्शन करते हैं और स्वामी जी के माध्यम से जानते हैं कि उनका क्या अतीत रहा है और किस लिए वो पूजनीय है और उनसे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहे और इस वीडियो को देखते रहे। बिल्कुल, ये हमारे हरि भगत पीछे बैठे हैं, तो क्या कहोगे नरेश भाई? बस सब लोग, मैं काला दिख रहा हूँ, आप बोलो। अभी हम जा रहे हैं वड़ताल, अभी पहुँचने वाले 5-10 मिनट में और वहाँ जाके स्वामीनारायण जी का, भगवान का दर्शन करेंगे, उसके आशीर्वाद लेंगे और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें और शक्ति दे लोगों की सेवा करने की और ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहे। ऐसे आप सबसे भी निवेदन है कि ऐसे हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सब लोग जो दुखी लोग हैं उसके पास पहुंच के उसकी मदद कर सकें। बिल्कुल, तो दोस्तों शायद ये ब्लॉग अभी आगे गुजराती में भी हो सकता है क्योंकि स्वामी जी को हमने बोला नहीं है कि हम हिंदी में अभी शूट कर रहे हैं पूरा ब्लॉग। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम अभी वहाँ पे जाके क्या माहौल है पहले वो चेक करते हैं और उसके बाद आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे पूरा ये ब्लॉग और जैसे जो भी माहिती आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप बने रहिए और पसंद आए तो लाइक करिएगा और हम साथ में मिलकर भगवान श्री स्वामीनारायण जी के दर्शन करते हैं। थैंक यू सो मच। વર્ષો સુધી સચવાઈ રહી વસ્તુ, એટલે આ જે કથા ચાલે છે ને એ કુંડળ ધામ આવ્યું સાળંગપુર પાસે, ત્યાંના સંતોએ મહેનત કરી અને આ ગ્રંથ મેં આપ્યો છે ભેટમાં મંદિરમાં કે આ સચવાઈ રહે ને હરિભક્તો ને દર્શન થાય। Thank you.
જગ્યા છે આ જગ્યા પર સ્વામિનારાયણ ભગવાન સંતો પેલા બેસતા જમવા 496 વખત ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતે સંતોને પીરસતા એ આ પ્રસાદીની જગ્યા ભગવાન વખતના પ્રખર વિદ્વાન હતા આ સ્વામી નિત્યાનંદ સ્વામી સંસ્કૃતોના જ્ઞાતા હતા સંસ્કૃતના શ્લોક પુસ્તકને મોઢે આવ્યા હરિચરિત્ર મુક્ત સાગર ગ્રંથ છે પુસ્તક છે જે મહાભારત છે રામાયણ છે શિક્ષાપત્ર છે ભગવાન ના ચરિત્રો ને લખેલું આ એક પુસ્તક છે એ પુસ્તક આધારાનંદ સ્વામી લખેલું મોટા મંદિરમાં રણછોડરાયજી જોયા હશે એ રણછોડરાયજી ભગવાનના સંત હતા સચ્ચિદાનંદ સ્વામી એટલે દ્વારકાની અંદર તે હરિભક્તોને સાનુકૂળતા પડે એટલા માટે સચ્ચિદાનંદ સ્વામીએ પોતે ભગવાનના હાથમાં ચાર ચિહ્નો છે શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મ એ ચાર ચિહ્નો ગોમતીજીને રણછોડરાયજી એ ભગવાન દ્વારકામાંથી વડતાલમાં લઈ આવ્યા રણછોડજીના દર્શન થઈ જાય ભગવાનની તપ મુદ્રાઓ મળી જાય અને ગોમતીમાં સ્નાન થઈ જાય એટલે એવી પવિત્ર જગ્યા છે દ્વારકા જેટલી પવિત્ર જગ્યા વડતાલની છે બરોબર એટલે આનું એટમોસ્ફિયર એટલું સારું કે ભક્તો પોતાની અનુસૂર પ્રમાણે અહીંયા જે પણ શ્રદ્ધાથી આવતા હોય છે એ શ્રદ્ધાનું એ અહીંયા અનુભૂતિ કરી શકે છે ના ના ખૂબ સરસ નજીકમાં જઈને દર્શન કરવા ભગવાન તો ગમે ત્યાં જાઓ ને ભગવાન અમે બધી જગ્યા બેઠેલા છે ભગવાન જ્યાં પવિત્ર સ્થાનો છે ધાર્મિક સ્થાનો છે ત્યાં બોર્ડ મારેલા હોય કે અહીં ગંદકી કરવી નહીં પૂજાપો મૂકવો નહીં તો લોકો એ જગ્યા જ્યાં નથી કરવાની એ વસ્તુ લોકો ત્યાં કરે છે બરોબર એટલે ધાર્મિક સ્થાનોની લાગણી દુભાય અમુક વખતે એટલે આપણી ફરજ છે હિન્દુ તરીકે કે આપણે ધાર્મિક સ્થાનની જાળવણી કરી શકીએ શું નામ છે છોટું ધર્મેશ કેટલામાં ભણે છે હે છઠ્ઠું ધોરણ ક્યાં વડતાલ અંદર રહેવાનું તો બમરોલી અચ્છા શું કરવા આવ્યો છે દર્શન કરો અચ્છા કઈ નહી જય સ્વામિનારાયણ એમાં હરિભક્તો આવે તા નદીમાં સ્નાન કરે ભગવાનનો મંત્રોચ્ચાર કરે પૂજા પાઠ કરે તો એક આવી ધાર્મિક આવું સ્થાન છે તે લોકો સ્નાન વિધિ કરવા આવે પોતાનું શરીર પવિત્ર કરે એટલે આ ગોમતી નદીમાં કોઈને નાહવાની ઈચ્છા ના થાય તો ખાલી એનું જળ માથે ચડાવવાથી પણ આપણા અનેક પાપો દૂર થઈ જાય आपने देखा कि अभी जो भी हमने आपको आगे दिखाया कि कैसे भगवान की यहाँ पे स्थापना हुई कैसे उसने कैसे कार्य किया ऐसे तो बहुत कुछ दिखाने लायक था बट अमुक जगह पे कैमरा अलाउड नहीं था तो हमने आपको सब कुछ नहीं बताया बट हमारा यही प्रयत्न था कि आपको सब कुछ आपके साथ शेयर करें बट आप भी आइए इधर वड़ताल कभी भी आपको आने का मौका मिले तो भगवान श्री स्वामीनारायण जी का बिल्कुल दर्शन भी करिएगा और बहुत ही अच्छा धर्मस्थल है यहाँ की
जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही मतलब बहुत प्रभावित कर रही है। अभी इतने हम एनर्जेटिक है, काफ़ी दो थी तीन हम तीन घंटे से ऐसे घूम रहे हैं चल चल के, बट अभी भी एनर्जी ख़त्म नहीं हुई है। बट यही बताना चाहते हैं कि आप कभी भी आओ तो वड़ताल एक बार ज़रूर आना और भगवान श्री स्वामीनारायण जी के दर्शन करना। अभी हम सब लोग जा रहे हैं गोमती नदी, जो आप देख रहे हो पीछे ये गोमती घाट है, वहाँ पे हमने दर्शन किया अभी, और हम आगे एक तीर्थ स्थल है वहाँ पे जा रहे हैं। तो आप देखते रहिए और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। आज गए भगवान स्वामीनारायण रे वांद्राओ, वांद्राओ पास मारा फेरवड़ेली संतो भक्तों हाथ में जो माड़ाओ थी ये वांद्राओ लई लीधी और पोते माड़ा फेरवे छे। एटले भगवान एवं अद्भुत चरित्र आ जगह पर करो कि आपणे आवनारी पेढ़ी ने खबर पड़े। बिल्कुल आ जगह साचवी राखी छे। तो दोस्तों तमे आगळ जोयुं ते मुजब के स्वामी जीए आपणने जे पण काई बतावानी कोशिश करी, भगवान श्री स्वामीनारायण जे अहींया साक्षात विराजमान छे ने आजे एमना मुखे थी जे आपणने आजे सांभळवा मळ्युं ने जे पण काई एनी वातचीत हती जे आपणे सांभळी अने काई एवुं आईनुं वातावरणने महसूस करवानी कोशिश करी के जे खरेखर भक्ति खरेखर जे भगवानो साचो वास छे। तो एक वार बिलकुल थी वड़ताल ज्यारे पण आववानुं थाय तमारे भगवान श्री स्वामीनारायणना दर्शन करजो। અને ગોપાલ સ્વામી પણ આપણને એ બાબતે થોડું કહેશે, શું કહેશો સ્વામીજી તમે? બસ જે હરિભક્તો પણ આ લાઈવ વિડીયો જોવે છે તો જરૂર જરૂરથી વડતાલ પધારજો અને દર્શનનો લાભ લેજો। બિલકુલ, તો ચલીએ દોસ્તો આજ હમારા પૂરા બ્લોગ થોડા ગુજરાતીમાં ભી થા, તો આપકો અચ્છા લગા નહીં લગા બિલકુલ આપ કોમેન્ટ કરકે બતાઈએ, ઓર લાસ્ટ મેં યહી કહેતે કે પ્લીઝ એક બાર લિખ દેના જય સ્વામિનારાયણ ઓર એસે પ્યાર સપોર્ટ બનાએ રખિયેગા। ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણજી કા આશીર્વાદ હમને લે લીએ, हमारा जो भी अभी टीम काम कर रहे हैं नरेश भाई, तरुण भाई, मुकेश भाई, प्रतीक भाई, तो बस ऐसे ही प्यार सपोर्ट हमें बनाए रखिएगा और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ऐसी भगवान को प्रार्थना करना। तो नए ब्लॉग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अलग जगह पे जाके, हम अभी जा रहे हैं सौराष्ट्र, तो वहाँ पे भी हम आपके साथ थोड़ी बातचीत करेंगे और आपको लोकेशन दिखाएंगे। तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।